मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के जिले वर्धा में शराब बंदी के बावजूद बड़ी मात्रा में शराब की बिक्री हो रही है। लोगों ने शराब को बेचने के लिए कई तरकीबें खोज निकाली है। वर्धा जिले में अवैध तरीके से शराब की बिक्री होने की कई बार जानकारी मिलने के बावजूद छापेमारी में पुलिस को कुछ खास नहीं मिलता था। दरअसल पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि एक महिला मंदिर के नीचे बनाए गए बॉक्स में शराब की बोतलें छुपाती थी ताकि अगर पुलिस छापेमारी करे तो उन्हें कुछ ना मिले। जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की और बॉक्स के अंदर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। किसी भी पुलिसकर्मी ने यह नहीं सोचा था कि शराब मंदिर के नीचे बॉक्स में छुपी हुई है। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है।